सर घर पे सभी लोग बहुत खुश थे बहुत और बढ़िया। पापा भी बोले चलो सही है। अब जैसे सर मेरा सपना था आईआईटी में जाने का, ओके तो ओके, बीटेक के थ्रू नहीं जा पाया, तो सोचे अब एमएससी के थ्रू ही चले जाएं, तो तो चलिए, जाने का आपका था जो आईआईटी। सपना है वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप हाँ आईटी जैम में, मतलब आईटीज में जाने वाले हो। आईटी का टैग आपके पीछे लगने वाला है, एक बहुत ही बड़ा टैग है, इसको यस अच्छे से लेके जाना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, मतलब आईटी, जिस बिल्कुल आईटी से आप जा रहे हो, जिस आईटी में आप पढ़ने जाओगे, वहाँ पे आपका खुद का जो पोटेंशियल है उसको भरपूर उसका इस्तेमाल करना, और अपने आप को और भी ज़्यादा पुश करते रहना, ताकि ज़िंदगी में और भी आगे आप बढ़ पाओ। राइट, ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। तो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक इंटरव्यू सेशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं शिवम का, जो हालांकि मैं जो रिसेंट आईआईटी जैम 2024 का एग्जाम हुआ है, उनमें से अच्छे से उन्होंने स्कोर किया है, और उसके साथ साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो उनके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा सा बहुत थोड़ा बहुत मोटिवेशंस देंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा इस एग्जामिनेशंस के दौरान, और कॉलेज के साथ साथ आईटी जैम का प्रिपरेशन करना इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर ऑल। तो इसीलिए देखते हैं कि अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं, तो इसके पीछे का जो प्रॉपर जो स्ट्रगल होता है ना, वो स्ट्रगल को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन शिवम फॉर थैंक योर यू आउटस्टैंडिंग सर। स्कोर। तो जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को, तो उनको थोड़ा बहुत पता चले आपके बारे में कि आप कहाँ से हो और आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ से, स्कूलिंग आपका हुआ है, कॉलेज कहाँ से हुआ है, एंड ये सारे बेसिक सा चीज़ें जो है। हेलो, हेलो सर, माय नेम इज शिवम मौर्या। आई एम ओके फ्रॉम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ओके, ठीक मेरी स्कूलिंग सरोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ से हुई है है, और मेरा कॉलेज रामदेव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खिलुपुर संजयपुर से है। ओके ओके, और मतलब सर सारे मैंने ही यूपी कॉलेज से, से, मतलब आपके होम टाउन के आसपास ही। हाँ सर, मैंने यहीं से अपनी बीएससी कंप्लीट की है। ओके ओके हाँ सर, और यहीं से मैंने कॉलेज के साथ साथ आईटी जैम की तैयारी भी की और आईटी जैम का एग्जाम दिया, उसमें 42.33 मार्क्स आए हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो जैम का प्रिपरेशन जो किया था आपने, सेल्फ स्टडी किया था या फिर कहीं कोचिंग में आपने नहीं एनरोल किया सर, था? स्टार्टिंग में सोचे कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, ओके, तो बिल्कुल फिर समझ में जैसे कुछ चीजें थी जो समझ में आती थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, तो बिल्कुल, फिर एक दिन यूट्यूब पे देख रहे थे तो बहुत सारे लोग थे, तो फिर सर आपका नाम सुना आईएफएस केमिस्ट्री, ठीक है, तो सर उस समय ऑफर चल रहा था 75% ऑफ, तो ओके मैंने बिना कुछ सोचे मतलब ऑर्डर कर, मतलब ऑफर रिवील कर लिया ओके ओके उस टाइम पे। दिवाली का समय था सर, तो ओके 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 तब से मैं ओके, पढ़ रहा हूँ आईएफएस से ही। अच्छा, तो आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको कैसा लगा, मतलब प्रिपरेशन के टाइम आपको कैसा लगा कि लाइक कैसे पढ़ाते आईएफएस के स्टूडेंट, आईएफएस के जो प्रोफेसर से, फैकल्टी से, थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इससे और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि एकदम जैसे क्लास वाली फील आती है कि जैसे कोई टीचर बैठा हुआ है, बच्चे हैं, आराम से बताते हैं, बैठा के जैसे बताते हैं ना, जैसे ऑफलाइन की फील आती है सर। उसमें अच्छा, जूम बहुत मीटिंग बढ़िया, जैसे ऐप पे रहता है, जूम मीटिंग जैसे होती है उसी तरह सर ऐप पे पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो बच्चे को जो भी डाउट होता है वो डायरेक्ट उनसे पूछते हैं, वो डायरेक्ट उनका जवाब देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ आपके घर में कौन कौन है और घर का रिस्पांस कैसा रहा आफ्टर द एग्जामिनेशन, जब रिजल्ट आया आपके हाथ में, आपको पता चला कि इतना इतना स्कोर आया, तो घर का माहौल कैसा था उस टाइम में? सर, घर पे सभी लोग बहुत खुश थे बहुत और पापा बढ़िया, भी बोले चलो सही है। अब जैसे सर मेरा सपना था आईआईटी में जाने का, ओके तो ओके, बीटेक के थ्रू नहीं जा पाया, तो सोचे अब एमएससी के थ्रू ही चले जाएं, तो तो चलिए, जाने का आपका था जो आईआईटी। सपना है वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप हाँ आईटी जैम में, मतलब आईटीज में जाने वाले हो। आईटी का टैग आपके पीछे लगने वाला है, एक बहुत ही बड़ा टैग है, इसको यस सर अच्छे से लेके जाना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, मतलब आईटी, जिस आईटी से आप जा रहे हो, जिस आईटी में आप पढ़ने जाओगे, वहाँ पे आपका खुद का जो पोटेंशियल है उसको भरपूर उसका इस्तेमाल करना, और अपने आप को और भी ज़्यादा पुश करते रहना, ताकि ज़िंदगी में और भी आगे आप बढ़ पाओ। राइट, यस तो सर। आपने एडमिशन प्रोसेस अभी फिलअप किया है क्या, मतलब स्टार्ट किया है क्या अभी या नहीं किया? सर नहीं, कल करने वाले हैं या परसों करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अभी टाइम है, तो धीरे से उससे, मतलब टाइम लेके करिए, अच्छे से देख के करिए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है, डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, तो ये हाँ सारी सर, चीज़ें एक बार देख लेना, अच्छे से प्रिंट आउट वगैरह निकाल के सब कुछ प्रॉपर तरीके से फिलअप करके फिर उसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, तो टाइम जी रहते जी रहते, ऐसा मत करना कि एकदम एंड डेट में जाके एक दो दिन बचा उस टाइम पे आके, मत करना। नहीं सर, कल कर लेंगे, कल एडमिट कार्ड आ जाएगा तो।
ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ आ जाते हैं, तो आपने एग्जाम का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? लाइक आपके एग्जाम के बारे में पता कब चला और उसके बाद स्टार्ट आपने कहा कब से किया था? सर मुझे एग्जाम में थर्ड सेमेस्टर में था तब मुझे आईटी एग्जाम के बारे में पता चला था। ओके मतलब सेकंड ईयर। हाँ सेकंड ईयर सर। और फिर जब फोर्थ सेमेस्टर मतलब खत्म होने वाला था तभी सर मैंने आपका बैच लिया आईएफएस का, तब से मैं पढ़ना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में सर आप जैसे आपके यहाँ 6-6 घंटे क्लास चलती थी, दो घंटे फिजिकल, दो घंटे ऑर्गेनिक, दो घंटे इनऑर्गेनिक। तो मतलब 6 घंटा तो मतलब मैं कभी बैठ के पढ़ा ही नहीं, तो पहले पढ़ता था 4 घंटे कभी 5 घंटे, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता था। फिर सर लेकिन आपके बैच में ये था कि कोई एक चैप्टर हमारे छूट गया है, लाइव नहीं हो पाया, तो आप उसको दोबारा भी पढ़ाते थे, सेम चीज टीचर आएगा सेम चीज दोबारा पढ़ाएंगे लाइव आके, तो वो चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद थी। और सर उसी से मेरा ये जो भी हुआ सर आप ही लोग कराएं। बहुत बढ़िया। सो तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, तो प्रिपरेशन आपने मतलब ऑब्वियसली जो कोचिंग तो लिया ही था उसके साथ साथ आपने खुद से कैसे मैनेज किया इसको, मतलब कॉलेज के साथ कोचिंग के, मतलब खुद का जो पढ़ना है, मतलब ऑब्वियस बात है कि आप कहीं से भी टीचर से पढ़ लो लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगा, उसका आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो आप खुद से कैसे टाइम निकालते थे एक्सेप्ट कॉलेजेस एज वेल एज जो कोचिंग का टाइम है उसको छोड़ के भी, ये थोड़ा दर्शो। कॉलेज तो सर 4-5 घंटे में हो जाता था, मतलब आने जाने और कॉलेज में जाने का। और सर खुद के लिए तो 3-4 घंटे अगर डेली पढ़े तो भी बहुत है आईटी जॉइन के लिए। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, मतलब अगर आप सही से पढ़ रहे हो, मतलब अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ प्रॉपर कंसंट्रेशन अटेंशन के साथ अगर पढ़ते हो तो हर रोज 3-4 घंटे करके भी बैठना पढ़ने के लिए तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कोचिंग अगर आप लेते हो तो कोचिंग में जाके वहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन है उसका 30-40% हो जाते हैं, बाकी 30-40% से आपको 80-90% लेके जाने के लिए खुद का एफर्ट देना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और जब एग्जाम पास में आते गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल फरवरी में एग्जाम था तो दिसंबर जनवरी के टाइम से जब एग्जाम पास में आते गए तब उस टाइम पे कैसा फीलिंग था, लाइक उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था कि आपका प्रिपरेशन कैसा है? लग रहा था सर लेकिन सिलेबस हो गए थे उस टाइम पे। तो सर मैंने शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो सर हाँ, और मैं सर डेली सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास उठ जाता था और डेली शॉर्ट नोट जो बनाया है उसी को रिवाइज करता था। अच्छा। हाँ, और शॉर्ट नोट बनाने का आइडिया कहाँ से मिला आपको? सर आप ही लोग, मतलब जो सर एक प्रोजेक्टा मैम थी वो बताती थी कि आप लोग शॉर्ट नोट बनाए रखिए, बनाते रहिए, जब चैप्टर खत्म होता है तो आप उसका शॉर्ट नोट बना के रखिए। Exactly. तो जितने फार्मूले थे उन सबको भी जैसे सर मैं रखा हूँ बगल में। अच्छा सर। हाँ सर, तो वही बात था कि मैम बोली थी कि शॉर्ट नोट बनाते रहिए, उसका यूज करते रहिए, तो उसको मैंने शॉर्ट नोट बराबर याद किया और लास्ट डे भी मैंने शॉर्ट नोट पढ़ के ही गया था। एग्जैक्टली exactly. मतलब जब आप रिविजन करने बैठोगे तो वो शॉर्ट नोट की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। हमेशा लाइन बाय लाइन रिविजन करने का कोई मतलब नहीं है एग्जाम के एकदम आने वाले दिन में। तो एग्जाम के जब पहले जस्ट पहले आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह या फिर उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कैसे किया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के तो नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो आपने मॉक टेस्ट दिया था या फिर सर आपके सर आपने सर वो जो फिजिकल की सेपरेट बुक आती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की सर, तो वो वाली बुक सर मैंने मंगाई थी आपके यहाँ से। अच्छा। वही बुक को सॉल्व करता था, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जो नहीं आता था उसका आंसर पीछे दिया भी हुआ था। राइट। अच्छा बहुत बढ़िया। तो और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी की, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे क्या? हाँ सर लिए थे सर आपके यहाँ से, 1 रुपए में मिल रहा था सर, आपने इतनी फैसिलिटी दी थी तो कैब ले ही लेते हैं। ओके तो उसका हेल्प हुआ है राइट, एटलीस्ट हेल्प तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बहुत हेल्प हुआ सर। अच्छा ओके चलो बहुत बढ़िया। तो अभी आने वाले दिन में आपका लाइक चलो आईआईटी में तो आप जाने वाले हो, तो अभी उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक आईआईटी से एमएससी अगर आईआईटी में चले गए उसके बाद फिर आपने क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है? सर ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं लेकिन रिसर्च में जाएंगे। अच्छा मतलब ये एक इच्छा है आपके मन में कि रिसर्च के तरफ आगे बढ़ना है आपको। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड तो चलिए ऑलमोस्ट और इसके अलावा, तो ये तो चलो गया पढ़ाई के बारे में बातचीत, इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो एक्सेप्ट स्टडी एंड ऑल कॉलेज एंड ऑल, इसके अलावा छोड़ के आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो या फिर मतलब अपने स्पेयर टाइम आप कैसे टाइम निकालते हैं? मीम देखते हैं। अच्छा क्या बात है, ये एक तो बहुत, ये तो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है ना मीम देखना। ओके
और सिर्फ सिर्फ मीम देखते थे क्या? मतलब बाकी सर, मतलब सर एकदम बात करते तो मेरी मीम ही निकलती है। मैं तो अभी कुछ मीम आ रहा है क्या आपके दिमाग में? जैसे सर आपने पूछा कि आगे का क्या प्लान है, तो अभी मीम आ गई मुन्ना भैया वाली, ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं। अच्छा। लेकिन अभी सोचेंगे। ओके, तो अभी अपनी मीम आ गई सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब मीम्स हमारे जिंदगी के साथ भी जुड़ चुके हैं, आप देख पा रहे हो। तो जिंदगी को मीम मत बनाना, लेकिन ये मीम रहने देना, राइट? ये सबके लिए रहेगा। तो चलिए, आपके आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अगर अपने जो जूनियर्स है उनको अगर थोड़ा सा गाइड करना चाहोगे, उनको अगर थोड़ा बहुत मतलब इंस्पायर करना चाहोगे, लाइक कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए या जो भी है, मतलब आप अपने शब्दों में कुछ बताना चाहेंगे तो डेफिनेटली अपने दर्शकों को बताइए। और अगर आप मीम के फॉर्म में भी बताना चाहोगे तब भी बता सकते हो, देखते हैं आपका क्रिएटिविटी कैसा है। नहीं सर, सर ITSM मतलब उतना टफ एग्जाम नहीं है, इसके लिए अगर 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलरली मतलब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत है 3-4 महीने। ठीक है। और शॉर्ट नोट बनाए रखिए और मॉक टेस्ट और PYQ जरूर लगाइए। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। तो जैसे आपने बोला सुन लिया है कि मॉक टेस्ट जरूरी है, PYQ लगाना जरूरी है, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट जरूरी है, और उनके साथ साथ कंसिस्टेंसी जरूरी है, जो इन्होंने भी बताया कि लास्ट 3-4 महीने में आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन मैंने रेस्ट कर लिया, फिर 3 दिन में पढ़ा, तीसरा दिन पढ़ा, चौथा दिन रेस्ट कर लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको लगातार वो चीजें कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, तभी जाके आपका जो रिजल्ट है वो उसमें आपको वो एक्चुअल में वो आपका एफर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है मेरे में आ जाएगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी जरूरी हो। आपके एग्जाम के जब अब एग्जाम देने गए थे फर्स्ट टाइम, जो CBT या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको होते हैं, और उसके साथ साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये 2-3 चीजें एकदम बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के लिए, तो वो कैसा आपने कैसे अपना उस चीज को टैकल किया था, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था आपने एग्जाम के दौरान? सर एग्जाम हॉल में जाने से पहले सर मैंने सोचा था कि गलती वाले जो क्वेश्चन, जैसे रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है, उन क्वेश्चन को छूना नहीं है सर। और सर इस बार का जो पेपर आया था बहुत आसान आया, मतलब कहा जाए तो मतलब अभी तक का सबसे आसान पेपर आया था। तो सर जैसे कि अब मैं क्वांटम केमिस्ट्री से पढ़ के गया था, मतलब जो न्यूमेरिकल थे वो मैं याद पढ़ के गया था, उसमें सर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया फोटोन के रिगार्डिंग आ गया था। यस यस। तो सर अब वो मैं क्वेश्चन को लगा ही नहीं पा रहा हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन है सर, अब मैं लगाऊं गलत हो जाएगा सर, उसको छोड़ना पड़ गया। ओके। और सर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो थे सर, वो तो मतलब मैम बताई थी प्रोजेक्टा मैम कि उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो मैं घर से प्रैक्टिस करके गया था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन इसके रिगार्डिंग हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर एक हमेशा एक वीडियो बना भी देते हैं बिफोर गोइंग टू द मतलब अपीयर टू द अपीयरिंग द एग्जाम। तो ऑब्वियसली ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट मतलब हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सारे जो बाकी सारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली ITSM के एग्जाम्स के लिए एज वेल एज गेट के लिए, कि साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक भी गलती करोगे आपका एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें गलतियाँ हो जाएगी। इवन उसके साथ साथ माइनस साइन, पॉइंट साइन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपको डेसिमल प्लेस तक वहाँ पे आंसर देना होता है, तो ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम्स के लिए। तो एनीवे शिवम, तो आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, मतलब स्पेशली जितने सारे दर्शक हैं। और शिवम आप लास्टली जाते जाते अगर आप उन लोगों को कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी आपके तरफ से एनीथिंग रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस और एनीथिंग अगर आप दर्शकों को बोलना चाहोगे तो प्लीज़ गो अहेड, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। सर एग्जाम की तैयारी करते रहिए लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ को साथ लेते हुए, क्योंकि सर फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है और मेंटल हेल्थ भी जरूरी है सर, दोनों के साथ लेके आप एग्जाम की तैयारी करिए, आप बहुत आगे जाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छा बात बोला उन्होंने कि मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ की तैयारी, मतलब हेल्थ को ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बॉडी साथ नहीं देगा तब तक आपका ब्रेन भी साथ नहीं देगा, तो अगर आपका बॉडी साथ नहीं दे पाएंगे तो ब्रेन अपने आप छोड़ देंगे सारे चीजें। तो डेफिनेटली इस चीज को ध्यान रखते हुए और उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से एक स्केड्यूल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, और उसके साथ साथ आप लोग प्रिपरेशन करिए। तो फिर से वंस अगेन वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिवम फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल एज फॉर योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं आप जिंदगी में और भी बहुत आगे बढ़ोगे और भी बहुत कुछ अचीव करोगे और अपना नाम, अपना फैमिली के नाम, उसके साथ साथ हमारा भी नाम को थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।